आज हम जो कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, द करदा स्टोरी पर। मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया शुरुआत है, कश्मीर फाइल्स के साथ ये मामला शुरू हुआ था। PIL फाइल होने के बाद उस फिगर को चेंज कर दिया जाता है, 32,000 से वो सीधा 3 वुमेन्स की स्टोरी बताई जाती है। 3 महिलाओं को ले जाया गया या 3,000 को ले जाया गया, फैक्ट रिमेंस द सेम कि एक आइडियोलॉजी है जो इस तरीके से शोषण कर रही है। बट ऐसे इलेक्शंस के टाइम पे ही पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल करेगी, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुरी बात है। दोज हु बिलीव इन कन्वर्जन एंड किलिंग पीपल एंड इनवेडिंग अदर्स, और ये समझना कि हमारा धर्म ही सबसे सुपीरियर है और बाकी सब कम है, वो आसुरी चेतना है। द केरला स्टोरी बिकम्स द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक नाउ। जैसा कि हम देख रहे हैं, इस मूवी को कहीं पे अप्रिशिएट किया जा रहा है और कहीं पे इसको अपोज किया जा रहा है। काफ़ी स्टेट्स में इसको टैक्स फ्री किया जा रहा है और वहीं पे काफ़ी स्टेट्स में इसको बैन किया जा रहा है। तो इसी टॉपिक पे, इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे पॉडकास्ट पे आज मौजूद है एडवोकेट अंकुर शर्मा। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। आज हम जो कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है, तो पॉलिटिक्स को साइड पर रख के हम उसके बारे में बात करेंगे, द करदा स्टोरी पर। तो जैसे कि पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट थोड़ा मतलब अलग अलग, एकदम अलग अलग फील्ड्स हैं, तो उन दोनों को सेम क्यों ऐसे मिक्स किया जा रहा है? नहीं, देखिए, फिल्मों का तो इतिहास रहा है। अगर आप पूरे विश्व भर में भी नज़र दौड़ा के देखें तो फिल्मों के माध्यम से तो सामाजिक इशू हों, राजनीतिक इशू हों, उन्हें हमेशा उठाया गया है। एंड फिल्म्स आर वन ऑफ द बेस्ट मीडियम्स अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अराउंड द प्रॉब्लम्स दैट द वर्ल्ड इज़ फेसिंग या सोसाइटी, समाज एज अ होल इज़ फेसिंग। तो मुझे लगता है कि केरला स्टोरी उसी पृष्ठभूमि में बनाई हुई एक मूवी है। इस तरीके की मूवीज़ भारतीय बॉलीवुड के इतिहास में अभी नई नई बनना शुरू हुई है, इसलिए थोड़ा सा रिपल इफेक्ट है या लोग जो है अपनी आईब्रोज रेज करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया शुरुआत है। कश्मीर फाइल्स के साथ ये मामला शुरू हुआ था, उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिन्होंने एक्चुअल इश्यूज को टच करने की कोशिश की है, लेकिन ताशकंद फाइल्स हो और भी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस बहुत बढ़िया रहे हैं पास्ट में भी, लेकिन ये कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जिन्होंने समाज के कुछ फ्रेमवर्क्स को बदलने का प्रयास किया है। बिल्कुल सर, इसी से मेरा एक क्वेश्चन और नेक्स्ट रहेगा कि जब आप जैसे आप बात कर रहे हैं कि एक फॉर्मेट बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना हार्श फॉर्मेट देना, क्योंकि अभी हम जहाँ पर फिक्शन की मूवीज़ में हैं और धर्मा प्रोडक्शन के एक अलग जॉनर है जहाँ पर लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, एंड उसके बाद एकदम से स्विच करा जा रहा है जहाँ पे कश्मीर फाइल्स बताई जा रही है लोगों को, ताशकंद फाइल्स जैसे बताया इन्होंने, और उसके बाद अब ये केरला स्टोरी, तो इस तरीके से एकदम से हार्श ट्विस्ट दिया जा रहा है और ट्रू इवेंट्स बेस्ड स्टोरीज बताई जा रही है, तो इसके अडेप्टेबिलिटी लोगों में आने में टाइम लगेगा। और जैसे इस तरीके से मूवीज बनाई जा रही हैं, इसको लेकर रिबेलियस नेचर भी आ रहा है, और जब पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है तो वो एक अलग एंगल बन जाता है, और वैसा ही केरला स्टोरी में भी देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिक्स बीच में कूद चुकी है। क्योंकि एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट के तरीके से देखा जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन उसको जब पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की जाती है तो उसका असर आम जनता पर पड़ता है, और वो वैसा ही देखने को मिल रहा है इसमें। तो देखिए, तो बॉलीवुड की मैच्योरिटी दिखा रहा है। अगर आप पूरे हॉलीवुड भी देखिए, विश्व भर के जो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं मूवी बनाने के, उन्हें भी देखिए, तो इस तरीके की मूवीज़ तो बनती आई है। मुझे लगता है कि एक भारतीय बॉलीवुड के इतिहास में ये बहुत पॉजिटिव कदम है, और हार्श ट्विस्ट देने की जो आप बात कह रही हैं उसे नेगेटिवली नहीं देखा जाना चाहिए। अगर कुछ प्रोग्रेस हो रही है तो प्रोग्रेस हैज़ टू बी सीन वेरी वेरी पॉजिटिवली। बॉलीवुड अगर ग्रेजुएट कर रहा है टूवर्ड्स मोर रियलिज्म और रियलिस्टिक होकर फैक्ट बेस्ड स्टोरीज बनाना, तथ्यों के आधार पर जैसे कि मैंने कहा स्टोरीज बनाना, कॉन्सेप्ट्स को दिखाना, तो मुझे लगता है कि एक वेलकम ये मूव है, डेवलपमेंट है। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बढ़िया दिशा में ही होने जा रही हैं, और अडेप्टेबिलिटी का तो कोई सवाल ही नहीं है। व्हेन यू स्पीक द ट्रूथ, अगर आप सच्चाई को आधार बना के कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसका तो स्वागत होना चाहिए। आजकल रैशनल मूवीज़ साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड और कंसेप्चुअल जो फ्रेमवर्क्स हैं उसके दायरे में रह के जो मूवीज़ बन रही हैं, मुझे लगता है कि उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव मूवीज़ को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, एंड इट्स अ वेलकम स्टेप। इसे आप नेगेटिवली मत देखिए इस शिफ्ट को। नहीं, एग्जैक्टली सर, आपने कहा ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, लेकिन एक इंसिडेंस जो हम शेयर करना चाहेंगे कि जब ये मूवी रिलीज हुई, इसका ट्रेलर सामने आया, तो एक फिगर जो थी वो सामने आई 32,000 की, एंड उसको जब PIL फाइल हुई, यानी कि सर्टिफिकेशन मिलने के बाद जब PIL फाइल की जाती है और ये कहा जाता है कि मूवी पर बैन लगाया जाए केरला में,
उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ पीछे कर लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप केरला हाई कोर्ट ही जो जजमेंट देगा वही पास होगी, क्योंकि इतने से मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं। और PIL फाइल होने के बाद उस फिगर को चेंज कर दिया जाता है, 32,000 से वो सीधा 3 वुमेन्स की स्टोरी बताई जाती है, यानी कि प्लॉटिंग सेम रहती है, बस एक फिगर को चेंज किया जाता है। तो अगर ये ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है तो हम फिगर्स के साथ छेड़छाड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ एग्जैक्ट है वो चीज़ एग्जैक्ट है। उसको PIL के दौर पर सिर्फ एक मूवी रिलीज करने के लिए ही आप पूरा का पूरा ट्रू इवेंट को ही चेंज कर दें तो ये गलत है। तो इस पर आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस संबंध में कोर्ट में जाना ही गलत है। कोर्ट में जाके अगर आप आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऐसे जो स्तंभ है हमारे संविधान के, उन्हें अगर आप चुनौती देते हैं तो मुझे लगता है कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ते हुए यही कहा था कि मार्केट्स विल डिसाइड, लोग डिसाइड करेंगे कि इस मूवी को देखना है कि नहीं देखना है। और दूसरा, सेंसर बोर्ड ने तो सर्टिफिकेशन दिया ही था। और जहाँ तक तथ्यों की बात आप कर रहे हैं कि कुछ फिगर्स को चेंज करना पड़ा, तो देखिए कुछ ऑफिशियल फिगर्स रहती हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल फिगर्स रहती हैं। जितनी अविश्वसनीयता नॉन ऑफिशियल फिगर्स को लेकर रहती है, उतनी ही ऑफिशियल फिगर्स को लेकर भी रहती है। आपने देखा कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे इस मूवी को बैन किया गया। अब उन स्टेट्स से अगर आप डेटा मंगवाने का प्रयास करेंगे कि कितना लव जिहाद के केसेस वहाँ पे हुए, कितना इस्लामिक फंडामेंटलिज्म वहाँ पे अपना लोगों को शिकार बना रही है, तो वहाँ से तो ऑफिशियल तरीके से तो कुछ डेटा बाहर निकलेगा ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई हैं। तो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, हाँ, आप जो डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं पब्लिक डोमेन में, जो पोजिशन ले रहे हैं पब्लिक, दैट शुड बी बैक्ड बाई प्रॉपर एविडेंस, वो तो है ही। अब आपने देखा कि कैसे इकोसिस्टम एक्टिव हो गया इस फिल्म को रुकवाने के लिए, इस फिल्म की सच्चाई को बाहर आने से रोकने के लिए। और उस क्रम में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ अगर किए गए हैं तो आई थिंक कि वो दुर्भाग्यपूर्ण भी है। अगर 32,000 का आंकड़ा था तो दैट शुड हैव बीन जस्टिफाइड। मुझे लगता है कि आंकड़ा उससे कहीं अधिक है। केरला इज़ इन टर्मोइल। केरला पिछले कई दशकों से इस फंडामेंटलिज्म का, ये जो कन्वर्जन माफिया है, उसका शिकार बन रहा है। और दूसरा, जो आतंकी संगठन है ISIS, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखिए, कितनी ही महिलाओं को एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है, जाने से रोका गया है, कुछ रेस्क्यू मिशन भी मुझे लगता है नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा जैसे भी वो भी हुए हैं। सो एवरीथिंग इज़ ट्रू। मुझे लगता है कि रियल प्रॉब्लम को आंकड़ों से जोड़ना, आतंकवाद को स्टैटिस्टिक्स से आप नहीं जोड़ सकते। 3 महिलाओं को ले जाया गया या 3,000 को ले जाया गया, फैक्ट रिमेन्स द सेम कि एक आइडियोलॉजी है जो इस तरीके से शोषण कर रही है, एक कन्वर्जन माफिया है जो इस तरीके से आतंकवाद को पोषित करने के लिए कार्यरत है। मुझे लगता है कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन फोकस वो होना चाहिए, नंबर्स नहीं होने चाहिए। भारत सरकार भी आजकल टेररिज्म के संबंध में नंबर्स का सहारा लेती है, जो बहुत एक गलत अप्रोच है। आतंकवाद को स्टैटिस्टिक्स की अप्रोच से नहीं देखा जा सकता। ISIS के केरला में या पूरे भारत में ऑपरेशंस को, जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स यहाँ के लोकल ही लोग हैं, उनको स्टैटिस्टिक्स के तौर पे नहीं देखा जा सकता। द फैक्ट कि एक भी अगर ऐसी घटना हुई है तो पूरा सरकारी सिस्टम खड़ा हो जाना चाहिए उस प्रोसेस के अगेंस्ट, उसे अपोज करने के लिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी डिबेट यहाँ पे डिविएट हो गई मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, कि वो आंकड़ों पे अधिक चली गई कि आंकड़ा क्या था, सही था कि नहीं था। 3 और 3,000 में मैं कोई फ़र्क नहीं समझता हूँ। अगर एक भी काम ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सिस्टम को खड़ा होकर पूरे तरीके से इसका जड़ में जाके इसको खत्म किया जाना चाहिए। बट सर, जैसे कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, कर्नाटका इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसमें भी उसको मतलब केरला स्टोरी को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने नैरेटिव्स, जो फ्रेमवर्क्स हैं उसके चलते हर एक चीज़ को इस्तेमाल करती हैं। दैट इज़ अ नॉर्मल एक्टिविटी, वो एक नॉर्मल एक्टिविटी है। लेकिन ये कह के कि चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज इस मूवी को इस्तेमाल कर रही हैं तो मूवी पे कोई नेगेटिव चर्चा होनी चाहिए, मुझे लगता है कि वो ठीक चीज़ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज तो और भी बहुत कुछ इस्तेमाल करेंगी, बट ऐसे इलेक्शंस के टाइम पे, इलेक्शंस के टाइम पे ही पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल करेंगी, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुरी बात है। सर, पर इसमें गलत क्या है कि एंटरटेनमेंट के लिए जो एक मूवी बनाई जाती है उसमें पॉलिटिक्स कूद रही है, या फिर बॉलीवुड पॉलिटिक्स में कूद रहा है? नहीं, देखिए, मूवीज को आप केवल लिमिट नहीं करिए केवल एंटरटेनमेंट के लिए। आप देखिए, केरला स्टोरी तो एक मूवी है, 2.5 घंटे की मूवी है। इससे पहले स्विस सीरीज है कैलिफेट, कैलिफेट भी लोगों को देखनी चाहिए। मुझे लगता है नेटफ्लिक्स पे अभी वो होगी, प्लेटफॉर्म्स चेंज भी होते रहते हैं। एज फार एज आई रिमेंबर, आई वॉच्ड दैट सीरीज कैलिफेट, द कैलिफेट। आप उसमें देखिए किस तरीके से फिल्मांकन किया गया, लंबी सीरीज है, बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें क्लियर होंगी। बहुत रैशनल, बहुत साइंटिफिक, बहुत एविडेंस बेस्ड वो एक सीरीज़ है। तो ज़रूरी नहीं है कि सीरीज़ या मूवीज़ जो हैं वो एंटरटेनमेंट का एक साधन है, नाचने कूदने का एक साधन है। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन का साधन है, ये समाज में अवेयरनेस पैदा करने का साधन है। और मुझे लगता है कि मूवीज़ जो हैं वो समाज के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। तो इसलिए तथ्यों का आधार बना के मूवीज़ को बनाना,
और फिर सेंट्रल जो बोर्ड है फिल्म सर्टिफिकेशन का, CBFC जो है, उसके द्वारा सिनेमेटोग्राफिक एक्ट जो है उसके तहत सर्टिफिकेशन देना, ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबल काम है। इसे केवल एंटरटेनमेंट के साथ ना जोड़ के देखा जाए, समाज के प्रति एक दायित्व है, उस संबंध में भी देखा जाए। और ऐसी मूवीज़ और बननी चाहिए और इन्फॉर्मेशन के साथ बननी चाहिए। कुछ सीवियर चैलेंजेस जो देश, हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति, सभ्यता, धर्म जो फेस कर रहा है, मुझे लगता है कि उन इश्यूज़ को भी टेकअप करके और भी नई नई मूवीज़ का जो है वो प्रोडक्शन हो। लेकिन सर, ऐसी मूवीज़ रिलीज़ होने के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत देखने को मिलते हैं। इट डजंट मैटर, सच्चाई बोल के अगर मान लीजिए कि अगर आप अपने समाज को सच्चाई बता रहे हैं और उसके कारण अगर सपोज थोड़ा सा फॉर द इंटरनम पीरियड थोड़ा सा टर्मोइल होता भी है, आई थिंक दैट्स वन। लेकिन अगर उससे समाज को ही असर पड़ता है तो उस पर क्या, क्योंकि ओवरऑल समाज को पॉजिटिव असर पड़ेगा। देखिए, अगर कोई टू बिगिन विद, अगर आप मुझे कुछ नेगेटिव इंसिडेंट्स गिना भी दें, डजंट मैटर, ओवरऑल तो समाज को पॉजिटिव ही असर पड़ेगा। आप कश्मीर फाइल से पहले कितने लोग जानते थे कि हिंदुओं का जम्मू कश्मीर में नरसंहार हुआ है और नरसंहार निरंतर चला आ रहा है। नरसंहार को आज तक माइग्रेशन कह के अंडर द कारपेट ब्रश असाइड किया गया, देखिए, और अभी तक वो हो रहा है। हालांकि ये सच्चाई सामने आई है, हालांकि हमने भी बहुत प्रयास किया कि सच्चाई को बाहर लाया जाए, बहुत हद तक हम कामयाब हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन अगर किसी फिल्म के जरिए भी ये बात बाहर गई है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो सच्चाई अगर सामने आ रही है तभी तो समाज में जो एक अनरेस्ट है वो खत्म होगी। मुझे लगता है कि इस चीज़ को सोच के कि एक ऐसी भयानक सच्चाई सामने आ जाएगी तो इसे ब्रश कर दें साइड अंडर द कारपेट, तो वो एक गलत अप्रोच है। समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए कुछ कड़वे सच जो हैं वो सामने ज़रूर आने चाहिए। लेकिन हर बार सर दो कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जाता है, एक तो मेजॉरिटी में है और एक जो सेकेंड मेजॉरिटी में है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम। और हर बार ऐसी ही मूवीज़ हमें देखने को मिलती है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम के रिलीजन को टारगेट किया जाता है या उनकी आइडियोलॉजीज़ को टारगेट किया जाता है। तो उस केस में इस तरीके की पैटर्न पर काम करना, तो क्योंकि बाकी रिलीजन भी है, कन्वर्जन हर एक रिलीजन में हो रहा है, हम सिर्फ एक रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकते या हिंदू को नहीं कर सकते या मुस्लिम्स को नहीं कर सकते, तो ये जो आइडियोलॉजी की कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है उसका फ़ायदा पॉलिटिकली भी उठाया जाता है और उसी को आगे हेल्प के उसी की हेल्प के, क्योंकि गुजरात डॉक्यूमेंट्री भी बनी, गुजरात डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा, ताशकंद फाइल्स बनी, उस टाइम पे कांग्रेस उसमें थी लेकिन कांग्रेस ने उसको बैन कर दिया। तो अगर ट्रू इवेंट्स पहुंचाने हैं तो हर एक इंसिडेंट के ट्रू इवेंट्स ऑडियंस तक पहुंचने चाहिए, वहाँ पर फिल्टर आउट क्यों किया जाता है? ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट एक रियल कॉन्फ्लिक्ट है और पिछले 1000 साल से ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। अगर आप हिंदू जेनोसाइड को डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि मिलियंस ऑफ हिंदूज वर किल्ड बाय इस्लामिक मुस्लिम इन्वेडर्स। अगर आप जम्मू कश्मीर के संबंध में देख लिए, आज हम जम्मू कश्मीर में रह के ये बात खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में इस्लामी आतंकियों ने कितने हिंदुओं की हत्याएँ की हैं, कश्मीर से जो नरसंहार किया गया हिंदुओं का या गैर मुसलमानों का, वो किन्होंने किया, तो तथ्य आपके सामने, इट्स अ रियल कॉन्फ्लिक्ट। आप पूरे देश में भी देख लीजिए, केरला स्टोरी के माध्यम से केरला का हाल भी आपके सामने आ गया। और जितने भी हमले हिंदुस्तान पे होते हैं, भारत पे होते हैं, वो कौन सा इकोसिस्टम है, वो कौन से टेरर नेटवर्क्स हैं, वो आपके सामने है। तो इसको ये कहना कि हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट को भी ट्रीट किया जाना चाहिए बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स की तरह, मुझे लगता है कि एक यूफेमिज्म रहेगी। कन्वर्जन एक सीरियस इशू है और इब्राहिमिक फेथ्स जो है वो कन्वर्जन में बिलीव करती हैं। हिंदुइज़्म या सिखिज़्म या जैनिज़्म या बुद्धिज़्म, ये कन्वर्जन में बिलीव नहीं करते। और कन्वर्जन में बिलीव करना या कन्वर्जन को आगे बढ़ाना इट्सेल्फ इज़ ए जेनोसाइडल एक्ट। कन्वर्जन इट्सेल्फ इज़ जेनोसाइड एक तरीके से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन रियल इश्यूज़ को टेकअप करना चाहिए और कहीं हमें कोई बैलेंसिंग एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देर आर अब्राहमिक फेथ्स हु आर आउट हेलबेंट टू कन्वर्ट द इंडियन पॉपुलेशन। आप जितनी भी अब्राहमिक फेथ्स हैं, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, आप देख लीजिए, दे हैव प्रोजेक्ट्स, दे हैव पीपल ऑन द ग्राउंड टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मिशनरीज हों या जोशुआ 1040 विंडो प्रोजेक्ट, आप देख लीजिए, जितनी भारत सरकार के पास जानकारी नहीं है, गली वाइज उन लोगों के पास जानकारी है कि किसको किसको कन्वर्ट करना है। और कन्वर्जन जो है वो भारतीय संविधान में प्रतिबंधित है। आर्टिकल 25 में जो राइट टू रिलीजन है वो प्रैक्टिस करने का राइट है। राइट टू रिलीजन डज नॉट मीन राइट टू कन्वर्ट। और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत सारी जजमेंट्स में कह दिया और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस ने ये बात कही है। सो द लॉ ऑफ द लैंड इज कन्वर्जन इज बैड। लेकिन हाँ, राजनीति के चलते तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी कन्वर्जन लॉज नहीं बनाए। कहीं आज जहाँ पे बने भी हैं तो वहाँ पे उनका क्रियान्वयन अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा। तो मुझे लगता है कि हमें कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ रियल कॉन्फ्लिक्ट। मुस्लिम्स इन इंडिया आर बीइंग पॉइजन्ड बाई जिहादी फोर्सेज, पाकिस्तान ISI एंड पैन इस्लामिक ताकतें, टू फॉल इन सुसाइड अगेंस्ट हिंदुस्तान, भारत, दिस सिविलाइजेशन। हिमालय का इस्लामीकरण चल रहा है, डेमोग्राफिक इन्वेजन की प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिख रही है, कन्वर्जन माफिया यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे ऐसे एरियाज़ को इस्लामाइज करने का प्रोजेक्ट चल रहा है जो सनातन के, यहाँ की सभ्यता संस्कृति के
कोर बेसिक सिंबल्स हैं, तो मुझे लगता है कि उन जो सीरियस इश्यूज हैं उस पर पर्दा डालने का काम किसी को नहीं करना चाहिए। एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म खड़ा करना चाहिए और हर वो ताकत जो देश राष्ट्र और राष्ट्र की मूल भावना के खिलाफ है उसको खत्म करना चाहिए, उसको तबाह करना चाहिए। और कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन एक ऐसी चीज़ है जिसको इस समय फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है अगर सनातन इज टू सर्वाइव। सनातन मतलब यहाँ इस धरती की संस्कृति सभ्यता, और जो लाखों वर्षों से चल रही है, जो लोग इस संस्कृति सभ्यता का सम्मान नहीं करेंगे उन लोगों को इस देश की धरती पर रहने का कोई हक नहीं रहेगा। सर बैक टू मूवी हम जाएंगे, उसमें एक ऐसा डायलॉग है जिसमें ये कहा गया है कि हमें हमारे रिलीजन के बारे में इतना नहीं बताया जाता इसीलिए लोग कन्वर्ट हो रहे हैं या उनका ब्रेन वॉश इजिली हो रहा है। इस स्टेटमेंट से आप कितने हद तक उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है? देखिए ये तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, ठीक है, ये बात ठीक है कि अवेयरनेस के लेवल पे, क्योंकि अगर आप सनातन की बात करें, हिंदुइज्म की बात करें और यहाँ की जो इंडिजिनस रिलीजन्स हैं उनकी बात करें तो एक धर्म को टूल ऑफ इन्वेजन के रूप में कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी दृष्टिकोण से आपको देखना है, अगर आपको अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान कम भी है तो उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, उस पर तो कोई चर्चा नहीं हो सकती, डिबेट नहीं हो सकती, लेकिन इट इज़ मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड लिविंग एज अ सनातनी जो मैक्सिमम हमारी पॉपुलेशन रहती है। हाँ देखिए वो जो इब्राहमिक फ्रेमवर्क्स हैं दे आर मोर आर्टिकुलेट क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क्स हैं, और सनातन जो है एक एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क है। सनातन एक सुर की चेतना है, एंड दोज हु बिलीव इन कन्वर्जन एंड किलिंग पीपल्स एंड इन्वेडिंग अदर्स और ये समझना कि हमारा धर्म ही सबसे सुपीरियर है और बाकी सब कम है, वो आसुरी चेतना है। तो ये सुर की चेतना और आसुरी चेतना, तो आपकी जो लड़ाई है वो असुरों से है, तो असुर जो हैं वो आर्टिकुलेट भी रहेंगे क्योंकि वो एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क है, उनके आर्ग्यूमेंट्स भी आपको सामने दिखेंगे, उनकी इकोसिस्टम्स दिखेंगे काम करते हुए। इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स सनातन में नहीं हो पाई बाय द वेरी नेचर ऑफ सनातन एज अ रिलीजन, धर्म, संस्कृति, कल्चर। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रॉब्लम को भी बहुत कम समय तक वील ओवरकम, एंड आई थिंक अब सनातनी भी जो हैं वो भी देल ऑल्सो बी एबल टू टॉक अबाउट देयर इश्यूज जिनको इस्तेमाल करके उनको बरगलाने का प्रयास किया जाता है, धर्म से संबंधित जो इश्यूज हैं। बट सर ये सब रोकने के लिए भी कुछ जैसे गवर्नमेंट का भी एक मेन रोल रहना चाहिए। एब्सोल्युटली गवर्नमेंट ने अभी तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट किया है, शर्क किया है फ्रॉम एक्टिंग। एक स्ट्रॉन्ग धर्मांतरण पे कानून बहुत आवश्यक है, धर्मांतरण पे पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाने के लिए एक बहुत सख्त कानून की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एंडेवर यही होना चाहिए कि आर्टिकल 25 और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का सम्मान करते हुए तत्काल प्रभाव से धर्मांतरण पूरे तरीके से रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन लेजिस्लेट हो। तो अगर कन्वर्जन का कभी कोई भी केस सामने आता तो लीगली उस पर क्या एक्शन होता? अगर फोर्सफुली कन्वर्जन और कन्वर्जन दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट। देखिए प्रैक्टिकली कोई भी असर नहीं होता क्योंकि इफ़ सम एक्टिविटी इज इलीगल तो यू हैव टू हैव अ लॉ जो उस इलीगल एक्टिविटी को पिनलाइज करे, पनिश करे। और जब आपके पास कानून ही नहीं है बहुत स्ट्रॉन्ग तो क्या करेंगे आप? यू विल इनवोक सेक्शन 188 IPC या RPC में पहले जैसे किया जाता था किसी एक्टिविटी को प्रतिबंध करना। सो हैव यू एवर हैंडल दिस लीगली दिस कन्वर्जन मैटर? तो ये कन्वर्जन के इशूज़ हाईकोर्ट में आते हैं जहाँ पे इंटर रिलीजन मैरिजेज रहती हैं, तो वहाँ पे इशूज़ रहते हैं। बहुत सारे तरीके के इशूज़ को हमने हैंडल किया है, बहुत सारे हमने प्रयास किए हैं कि इस तरीके से महिलाएं जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का विक्टिम ना बने, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक समूह है जो एल्योर करता है सब चीज़ों को। तो उस संबंध में पॉलिटिकली भी सामाजिक तौर पे भी हमने बहुत संघर्ष किया है, और एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव ऑलवेज सेड कि इफ़ मतलब गिवन टू आर सेल्फ वील लेजिस्लेट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग धर्मांतरण के ऊपर। सर जैसे कि और देन जो तब केरला के CM थे VS अच्युतानंदन जी, उन्होंने एक वो नंबर दिया था कि आने वाले 10 सालों 20 सालों में ही जो केरला वो इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा हिंदुस्तान में बहुत सारी स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं किस तरीके से लैंड जिहाद के माध्यम से डेमोग्राफिक इन्वेजन अनलीश किया जा रहा है। कश्मीर में आपने देखा, उसके बाद जम्मू प्रोविंसेस और मेजॉरिटी से माइनॉरिटी हो गए। आपने देखा हिमालय के इस्लामीकरण का प्रोजेक्ट पैन इस्लामिक जिहादी ताकतें चला रही हैं। पंजाब में सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक है, तमिलनाडु में सिचुएशन, कर्नाटका में, केरला में, वेस्ट बंगाल में आपने देखा कि किस तरीके से हिंसा तक पोस्ट पोल वायलेंस जो एक जेनोसाइडल वायलेंस था अगेंस्ट हिंदूज, एक टारगेटेड वायलेंस, वो एक रियलिटी है। जम्मू कश्मीर में रिसेंटली टारगेटेड किलिंग्स धर्म के आधार पर हिंदुओं की हत्याएं करना, जो लोग वहाँ पर जाकर नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ये रियलिटीज़ है। तो जो केरला के CM ने कहा था 10-20 साल पहले वो सच्चाई आज जब भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है, तो इस सच्चाई को हेड ऑन लेना चाहिए। और इसलिए आंकड़ों में ना जाके
इस जेनोसाइडल प्रोसेस को समझ के इसके अगेंस्ट एक रिस्पांस मैकेनिज्म क्रिएट करना चाहिए। लेकिन सर सीएम खुद उस टाइम पर वहाँ पर एक रूलिंग पोस्ट पर थे और इस तरीके का स्टेटमेंट देना कि आने वाले 20 सालों में जो है एक केरला जो है वो पूरा एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, और अगर हम बात करें उस टाइम से लेकर अब टाइम उस अभी तक की, और उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा कन्वर्जन हुई थी, और ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं या जो मूवी बताई जा रही है ये उसी टाइम के कन्वर्जन के हिसाब से ही मूवी को आगे बेस्ड किया गया। तो एक सीएम जो कि स्टेट को हैंडल कर रहा है, रूल कर रहा है, वो एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है लोगों को कि आने वाले 20 सालों में आपको केरला एक इस्लामिक स्टेट के तौर पर दिखेगा। तो एक मूवी बनाकर सामने लोगों के रख देना कि हाँ देखो ये मूवी ऐसा कन्वर्जन हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप उस पर काम करें, अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हैं केरला में तो गवर्नमेंट उसको लेकर क्या कर रही है, लोगों को बताने के अलावा एक्शन क्या किए जा रहे हैं? क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया की बात की है जहाँ पर हम लोग सनातन धर्म को लेकर लोगों को बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ये जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ये भी लोगों को अपने साथ जोड़ रही है, डार्क वेब के जरिए हो या अलग अलग माध्यम के जरिए हो, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर एक रूलिंग सीएम ही ऐसी स्टेटमेंट देता है या फिर गवर्नमेंट, अगर हम अभी सेंटर की गवर्नमेंट की बात करते हैं तो पीएम ने भी यही कहा कि केरला स्टोरी देखिए, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसको आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट काम क्या कर रही है उसको लेकर ये क्वेश्चन मार्क अभी भी है। नहीं देखिए, इस्लामीकरण केवल कन्वर्जन के जरिए नहीं है बल्कि लैंड जिहाद के जरिए भी है। डेमोग्राफिक इन्वेजन के संबंध में अगर आप देखेंगे तो कानून बना के जम्मू संभाग की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया गया, और पूरे राष्ट्र में भी आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हुई है। और अगर आप डेमोग्राफी को समझें तो डेमोग्राफी को हमेशा यह कहा गया है कि डेमोग्राफी इज़ डेस्टिनी। डेमोग्राफिक चेंजेस होती हैं, लेकिन डेमोग्राफिक साइंटिस्ट्स ये कहते हैं कि डेमोग्राफिक चेंजेस होने का एक कालखंड रहता है। 50 साल में इतनी होगी, 100 साल में इतनी होगी, 150 साल में इतनी होगी, 500 साल में ऐसी होगी, 1000 साल में ऐसी होगी। लेकिन जो 500 साल में होना है अगर वो 50 साल में हो जाए तो उसे एक जेनोसाइडल एक्ट किया कहा जाता है। तो जो इस्लामीकरण भारत का, हिंदुस्तान का जो हो रहा है वो अलार्मिंग स्टेज पे हो रहा है। डेमोग्राफिक साइंटिस्ट से अगर आप कंसल्ट करेंगे तो आप समझेंगे कि वेरी वेरी अलार्मिंग स्टेट पे कई सारी स्टेट्स पहुंच चुकी हैं, और वो ऑर्गेनाइज्ड है, वो प्लान्ड है, वो स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करके किया जाता है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल करके किया जाता है, वो हवाला चैनल्स के जरिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हों या पैन इस्लामिक ताकतें हों वहाँ से पैसे फ्लड करके किया जाता है। डेमोग्राफी चेंज करने के बहुत सारे टूल्स हैं, कन्वर्जन केवल एक टूल है, चैलेंज बहुत बड़ा है। ये मूवी जो है वो केवल एक पहलू को दिखाती है, और दिखाती है कि ISIS किस तरीके से रिक्रूटमेंट करता था, एक तो ये। दूसरा, चीफ मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी और उसके बाद जो फॉलो अप एक्शन स्टेट के लेवल पे होना चाहिए था वो नॉर्मली भारत में इसलिए नहीं होता क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट एक रियलिटी है। और प्रधानमंत्री के बारे में जो आपने कहा कि मूवी देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो तुष्टीकरण से ग्रेजुएट होकर तृप्तिकरण वाली बात कर रहे हैं, केवल पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए मूवी को इस्तेमाल करना, एक्सप्लॉयट करना। लेकिन साथ ही ये भी कह दिया जाता है प्रधानमंत्री और बीजेपी के प्रेसिडेंट के द्वारा कि धर्म के एंगल से इन सब चीज़ों को मत देखिएगा, किसी धर्म का इससे संबंध नहीं है, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को आप समझिए। देखिए बहुत कन्वीनियंटली मुस्लिम अपीजमेंट के चलते मेन प्रॉब्लम को साइडलाइन किया गया था। आई थिंक वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दीज पावर्स। और देखिए मूवी जो है, मूवी तो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स इन्होंने बनाई है, जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मूवी बना के पेश नहीं की, एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। ऐसी कई सारी मूवीज़ और बनेंगी, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होंगी भी, डॉक्यूमेंट्रीज छोटी छोटी दो दो ढाई ढाई मिनट की भी बनती हैं आजकल, पाँच पाँच मिनट की भी, जो बड़े ऐसे संदेश देती हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होगा, तो है ही है। एक ये डिफरेंट फील्ड है, वी शुड नॉट कन्फ्यूज़। और अल्टीमेटली सोल्यूशन इज़ कम्प्लीट बैन, ब्लैंकेट बैन ऑन कन्वर्जन बाई लेजिस्लेटिंग, अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन, ताकि कोई हिम्मत ना कर सके कन्वर्ट करने की। और मुझे लगता है कि खासकर ऐसी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं कि जो कन्वर्जन करेगा, जिसकी कन्वर्जन होगी, वोटिंग राइट्स भी छीनने की बात होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम लाइफ सेंटेंस, और जो रिपीट ऑफेंस अगर हो तो डेथ सेंटेंस, इस तरीके की चीज़ें डाली जा सकती हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपके एक रोटिंग रिमार्क्स यहाँ पर रिमार्क्स ये लेना चाहूँगी कि मूवी बन गई, चाहे वो कश्मीर फाइल्स बनी, चाहे वो ताशकंद फाइल्स बनी, या फिर अब केरला स्टोरी बन गई, तो इसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स जो देखने को मिलते हैं, क्या लगता है कि हेट रेट ज़्यादा बढ़ेगी दो कम्युनिटीज़ में, या फिर लोगों को अपनी रिलीजन की जो आइडियोलॉजी है वो समझ आएगी, या ये जो कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है इसको लेकर जैसे आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग लॉज बनने की ज़रूरत है वो बनेंगे? नहीं देखिए, अगर सच सामने आएगा तो मुझे लगता है कि भारत के लिए लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में भी बहुत बेहतर रहेगा। सच्चाई को सामने आना ही चाहिए। यू कैन नॉट ब्रश अंडर द कारपेट फैक्ट्स एंड ट्रूथ एंड देन एक्सपेक्ट कि दो कम्युनिटीज़ अच्छे से रहना शुरू कर देंगी। झूठ के आधार पे
चीज़ें नहीं चलती हैं। सच को सामने आना ही होगा, सच सामने आ रहा है, ये एक स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि इन ऐसी मूवीज़ बने इनका बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और इनफैक्ट वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो इन मेनेसिस के खिलाफ लड़ रही है उनके लिए भी बहुत सहूलियत हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा इन इश्यूज़ को समाज के बीच में लेके जाना, क्योंकि अवेयरनेस मूवीज़ के थ्रू भी होगी, उनके कामों के थ्रू भी होगी और अल्टीमेटली भारत के लिए इन टोटो ये चीज़ें जो है बहुत सुखदायी रहेंगी, बहुत मतलब प्राइज देने वाली रहेंगी। ऐसी समस्याओं से हम मिल के डट के लड़ पाएंगे, क्योंकि अभी तक इन समस्याओं पे पर्दा डालने का काम सरकारों ने ही किया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ही किया है और पूरा इकोसिस्टम है नैरेटिव और डिस्कोर्स जो कंट्रोल करते हैं उन्होंने किया है। तो इसीलिए सच सामने आ रहा है, इट इज़ फॉर द गुड ऑफ द सिविलाइजेशन, इट इज़ फॉर द गुड ऑफ द नेशन। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड बहुत जरूरी है एग्जैक्टली कि जैसे कंट्रोवर्सी अभी बनी है केरला स्टोरी पर और काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है, अलग अलग पर्सपेक्ट आ रहे हैं और अलग अलग एंगल से इस मूवी को देखा जा रहा है। उस बीच आपने भी बताया कि किस तरीके से लॉज बनाना ज़रूरी है, क्योंकि कन्वर्जन अगर हो रही है तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को भी स्टेप उठाने और लॉ के अंडर ये स्टेप्स उठाने चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। उम्मीद करते हैं आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। बाकी क्या आपने फिल्म देखी है या नहीं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जो है हम अब तक लाते रहेंगे, बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।